खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के मोती नगर में डॉक्टर के एन मोती फाउंडेशन के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छात्रों को उपाधियां प्रदान करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 वर्षों में भारत की छवि लगातार नए आयाम छू रही है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी बताया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में सभी देशों के छात्र और नागरिक फंस गए थे कि वे वहां से अपने छात्रों को और नागरिकों को सकुशल निकाल सकें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन पर युद्ध को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया था और दूसरे देश के छात्रों नागरिकों ने अपनी जान बचाने के लिए भारत का झंडा अपने हाथों में थाम लिया था। अंत में उन्होंने छात्रों को देश निर्माण में हिस्सा लेने और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ आने पर मुझे मेरी अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई, और ताजा इसलिए हो गई क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने मेरा रास्ता रोका हो, लेकिन बनने के पहले जब मोदी नगर से गुजरता था तो मोदी नगर से लोग जरूर रास्ता रोकते, रास्ता इसलिए रुकता था हैवी ट्रैफिक, और वो हैवी ट्रैफिक के कई मायने, ये भी हो सकता है कि क्षेत्र के विकास का परिचय, अभी तो इतना ट्रैफिक निकलेगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, और जब मुझे आधा आधा घंटे 1 घंटे कहीं मेरठ सहारनपुर